रहे हैं फ्रिज कुआलालंपुर और ये कुछ बस टर्मिनल है, इतना भारी। 4:30 का है टाइम 4:30 हुआ है सुबह का, और लाइक 4 आवर्स का जर्नी था, बहुत भारी था। अभी हम लोग देखेंगे यहाँ से मोस्ट प्रोबेबली तो मेट्रो हमारे हॉस्टल तक। तो हम लोग बहुत ज़्यादा जल्दी आ गए, तो अभी टैक्सी ढूंढ रहे, ग्रैब करके जो अपना ओला उबेर जैसा ग्रैब करके एक ऐप है, तो उस पे से ना 24 डिंगे बता रहा है, विच इज़ अराउंड 420 रुपीज़, और ये लोग जो नॉर्मल टैक्सी वाले वो लोग 700 तक बता रहे चार्ज। तो अभी बाहर जाके देख रहे अगर ग्रैब से बुकिंग करने मिलता है तो। सो वी हैव रीच हियर, ये बिल्डिंग में हमारा हॉस्टल है, पेंट हाउस 34। तो यहाँ पहुँचने के बाद इसके अंदर अपना पूरा डिटेल्स रखा रहता है, अभी फ़िलहाल हम लोग वही ढूंढ रहे इधर है। हम लोग का चेक इन टाइम 2 बजे का है ना, तो फिलहाल यहाँ पे नाम नहीं है, तो हमें बोला गया लॉन्ड्री मशीन जो है यहाँ पे, वहाँ बैठ के आप कुछ टाइम स्पेंड कर लो। तो हम लोग अभी यही बैठ रहे नीचे, अभी कुछ 6-7 बजे कोई उठेगा हॉस्टल में का तो वो ऊपर बुला लेगा। तो लेट्स सी, वाईफाई वाईफाई कुछ नहीं है, तो अभी ऐसे ही टाइम पास करना पड़ेगा और क्या। सो टाइम हुआ है सुबह के 7:20, और हम लोग अभी दोनों अभी तक भारी है, यहाँ पे आए थे कुछ सुबह 4:30 को, और तब से अब तक एंट्री नहीं मिला है क्योंकि वो ऊपर लेट खुलेगा हॉस्टल। तो अभी एक बंदा मिला है यहाँ पे, भाई का नाम है उसामा, जो है लाहौर पाकिस्तान से, तो बस वही सब चीज़ें बता रहा है कैसा क्या, तो मस्त सुन रहे उसका, मस्त मज़ा आ रहा है यार, कोई फर्स्ट पाकिस्तानी बंदे से पहचान हुई है। तो अभी उसका एक इधर नीचे शॉप पे वाईफाई कनेक्टेड है, तो उसके ऊपर सिद्धेश को पासवर्ड देने गए, फिर थोड़े टाइम बाद मैं जाऊँगा, मैं पासवर्ड ही कर दूँगा। बाकी अभी और क्या वेट कर सकते, सामने अच्छा खासा अभी ट्विन टावर्स दिख रहे, आपको दिखाता हूँ। गुड मॉर्निंग, और टाइम हुआ 8:10, और फाइनली अभी थोड़ा स्टाफ आ गया है, तो वो लोग किसी और के चेक इन पे हम लोग को एंट्री दे रहे, और वो उसामा जो था पाकिस्तान वाला भाई अपना, उसके पहचान पे थोड़ा हो रहा है, उसका यहाँ पे ही बिजनेस, उसका भी हॉस्टल है सेम बिल्डिंग में, तो अभी देखते क्या कैसा प्रोसेस हो रहा है। तो यहाँ लिफ्ट से बाहर आने के बाद वी आर ऑन द 34th फ्लोर, अब देख सकते हो, और ऐसा कुछ व्यू है बाहर का नीचे का ये हॉस्टल से बाकी और आगे। तो चलो आज ये भी एक्सपीरियंस मिल गया, अभी अपना बेड अलॉट हो गया, सब हो गया हॉस्टल में, और ये क्यूज अपने सिटी का व्यू, और यहाँ पे हो रही है मस्त सी बारिश। ये यहाँ का कुछ बाहर का एरिया है चिल आउट करने, वहाँ पे सामने जो है ऑफिस का कुछ जिसको भी काम रहेगा वो करने के लिए, और दैट्स इट, एक पेंट हाउस है, और वो साइड में कहीं तो है ना पूल है जहाँ पे हम लोग जाएंगे इवनिंग में, इन्फिनिटी पूल है जो पूरे सिटी का व्यू देता है। सो स्टे ट्यून फॉर दिस, थोड़े टाइम बाद यही वीडियो में बने रहे तो आगे दिखेगा, और प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, चैनल शेयर करो, तो ऐसे सब बोल देना, जैसे व्यूज़ आएंगे ना तो ही कुछ मज़ा आएगा यार, फिर मेरे को कंटेंट बनाने में भी मज़ा आता है कि चल कोई तो बंदा देख रहा है, बंदी कोई तो अपने देख रहे, तो एक मज़ा आता है। तो लेट्स सी, कीप सपोर्टिंग, और आगे कंटिन्यू करते हैं इसके बाद। हेलो, वी आर ऑन द 37th फ्लोर, यहाँ पे है इन्फिनिटी पूल मस्त वाला, और पीछे पूरा सिटी का व्यू यहाँ से दिखता है, ट्विन टावर्स नंबर 1 पे आते थे, अभी इफ आई एम नॉट रॉन्ग 2nd या 3rd पे, तो पीछे का व्यू कुछ ऐसा है। सो वी आर ऑन द 37th फ्लोर ऑफ दिस बिल्डिंग हॉस्टल में से, यहाँ पे ना एक्सेस सबको फ्री रहता है पूल में, और कितना भी टाइम आप लोग एंजॉय कर सकते हो पूल में आके। सो टावर ए में हमारा हॉस्टल है, टावर सी पे आके पूल में एंजॉय कर सकते हो, सनसेट होने को अभी मस्त अच्छा वाला, बट सोचा यहाँ पे मज़ा कौन गलाएगा, तो ये कुछ अपने पीछे पूरा सिटी का व्यू है, यहाँ पे ट्विन टावर्स दिख रहा है,
तो पूल में एंट्री का हिसाब ये है कि अगर आपके पास आप जो भी हॉस्टल में हो वहाँ से आप आके ना डायरेक्टली लाइक कितना भी टाइम आप पूल में रह सकते हो। तो मैं और सिद्धेश पूरा दिन आज काम कर रहे थे, तो बेसिकली हम लोग अभी उसका लॉग आउट बाकी थोड़ा काम मेरा तो हो गया था और कुछ हमारा अलग काम कर वो ख़त्म करके हम लोग अभी पूल में आ गए कि सनसेट के टाइम भी थोड़ा फोटोज निकले और जैसे ही लाइट स्टार्ट होएगा तब मिल जाए। अपना आज है ऑफिशियली डे 3। सैटरडे को सिंगापुर आए थे और फिर संडे दाखिल, तो संडे को सिंगापुर से हम लोग बॉर्डर क्रॉस करके मलेशिया एंटर किए। सिंगापुर में हम लोग ने 2 नाइट स्पेंड किया था, लाइक एक ही नाइट स्पेंड किया और कल का रात को हम लोग ने ओवरनाइट ट्रैवल किया और अभी मलेशिया में आ गए। जिस काम से आए थे वो काम कर रहे थे हम लोग और फिर अभी शाम को लाइक काम ख़त्म करके अभी थोड़ा निकले वॉक पे, एक सिम कार्ड ख़रीदना है और यहाँ पे आगे फूड कोर्ट है तो वहाँ जा रहे और बस पीछे का कुछ नज़ारा है नॉर्मल सा। आज कुछ भी नहीं, आज दिन भर काम ही कर रहे थे, कल छुट्टी है तो आज सब ख़त्म कर दिया और कल का कुछ प्लान है यहाँ पे मलेशिया घूमने का। दैनिक हम लोग को काउच सर्फिंग में होस्ट मिला है तो उसके घर पर हम लोग कल नाइट को जाएंगे और फिर डे आफ्टर हम लोग निकल जाएंगे अपने लास्ट एंड फाइनल डेस्टिनेशन के लिए। तो यार स्टे ट्यून, अभी आगे दिखा तो यहाँ पे फूड कोर्ट में क्या है क्या नहीं ये देखते। मलेशिया में आप एक चीज़ फेस करोगे कि है ना, बहुत लोगों को इंग्लिश यहाँ पे जैसे सिंगापुर में सबको आ रहा था, मलेशिया में सबको नहीं आता है। तो अभी हम लोग फिलहाल वही हंटिंग फॉर सिम कार्ड, मस्त मॉल है बाकी, बहुत ज़्यादा मस्त एकदम, अंदर ठंडा कूल एकदम। तो देखते हैं, अभी फिलहाल आपको अपडेट देता हूँ सिम कार्ड मिलने के बाद। तो वी आर इनसाइड दिस फूड कोर्ट और सब यहाँ पे ऑप्शन है, हम लोग जा रहे हैं चुपचाप बर्गर किंग। हम लोग ने किया है अभी यहाँ पे बर्गर किंग टेंडर क्रिस्पी, विच इज़ कॉस्टिंग अस अराउंड 300 रुपीज़, जो कि वर्थ है क्योंकि पूरा मील है और कार्ड पे करेंगे हम लोग टैप। तो इधर भी वही हम लोग टैप वाला सीन, रिटर्न, थैंक यू। तो अभी हम लोग ने जैसे ऑर्डर किया था कोक किया था कोल्ड ड्रिंक्स में, तो एक कोक भी है और एक स्प्राइट भी है, भले से बस वो स्प्राइट ही हो तो अच्छा है यार, जो कुछ और ही रहेगा तो। और कुछ ये वाला ऑर्डर है, बर्गर है, फ्राइज है और आई गेस ये क्या था अपना मैकडी में मिलते हैं ना जो पेरी पेरी, होप सो वो ही रहे, तो कुछ और ही चिली रहेगा तो लग जाएगी। ये सभी अभी खा के मिलते, देखते कितना टाइम, ऑलमोस्ट 10 बजने आ गया है तो मोस्टली अभी खा के जाएंगे रिटर्न हॉस्टल पे। सो मॉल का नाम है सनवे पुत्रा होटल, मॉल ऑफिस सब यहाँ पे ही है। तो दैट्स इट, ये मैक्स का पीछे से एंट्रेंस था। तो हम लोग ने मैक्स में चेक किया ना, जो इंडिया का रेट थे ऑलमोस्ट सिमिलर रेट थे, कुछ अलग रेट नहीं था दैट्स, और वो इतना ही था, आज कुछ ज़्यादा घूमे नहीं कुछ नहीं। और अभी बस निकल रहे, यहाँ पे ऐसा कुछ रोड का हाल है जिन बहुत सुपर रोड से, यहाँ भी नीचे एक हाईवे है जितना मेरे को पता है और वहाँ से देखो ट्रेन आ रही है, यहाँ पे से ट्रेन है। तो ये वाला अपना बिल्डिंग है और ये ऊपर गई तो हॉस्टल है, सो इतना बड़ा बिल्डिंग है पूरा। कल सुबह ना बिल्डिंग के अंदर से फ़ोटो निकालता हूँ कैसा दिखता है, क्या दिखता है नीचे का व्यू, बहुत सुपर दिखता है बेसिकली। और मे बी आपने वीडियोस देखा भी रहेगा किसी ने कभी कभार वो ही बिल्डिंग का, क्योंकि मोस्ट ऑफ द लोग जो ट्रैवलर्स है ना, जो हॉस्टल में या एंड ऑल रहना पसंद करते हो यही आके रहते हैं। तो दैट्स इट, अभी तो और कुछ है नहीं, अभी जाके जस्ट थोड़ा चिल आउट करेंगे अगर बाहर कोई बैठा रहेगा तो। तो टाइम 2:15 के आसपास और अभी हम लोग है ये बिल्डिंग का जो हॉस्टल के नीचे है ना, फोर्थ फ्लोर पे, नॉट अ ग्राउंड फ्लोर, जो फोर्थ फ्लोर उसका ग्राउंड फ्लोर है, तो उसके क्या बोलते हैं मार्ट में, वो डी मार्ट टाइप जैसा उधर का स्टोर है। सो हम लोग कुछ अभी ड्रिंक्स लेने आए, नॉर्मल ठंडा वंडा काइंड ऑफ, जैसे 7-Eleven ये सब रहता है वैसे ही है। तो इसका स्टोर का नाम है बिला बिला मार्ट,
और यहाँ पे आपको सब बियर्स एंड ऑल मिल जाता है। ऐसा स्टेलर है यहाँ पे, स्टेला $16 का। हाँ पेप्सी के साले। तो ये पेप्सी है नो कैलोरी वाली। और बाकी अपने सब नॉर्मल इंडिया में भी मिलता है वो। ये यहाँ पे कुछ मसाले हैं ऑल। तो ऑफिशियली एंडिंग ऑफ व्लॉग हियर। कुछ 3:30 होने आए और जैसे कि पीछे देख सकते हो सब चले गए। पीछे ट्विन टावर्स की लाइट भी बंद है। सो दैट्स इट। अभी कल का एक प्लान है यहाँ से घूमने का, हॉस्टल में जो बाकी लोग हैं उनके साथ कहीं जाने का, तो वो कल के ब्लॉग में रहेगा। सो स्टे ट्यून्ड, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।